हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स। और आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रेडमी 5 की एंटूटू बेंचमार्क की टेस्टिंग। तो यहां पर जो है मैंने एंटूटू बेंचमार्क की ऐप पहले इंस्टॉल कर ली थी, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अंडर प्रोसेस है फिलहाल, और मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आप जल्दी से रिजल्ट देख लीजिए। तो रिजल्ट कुछ इस तरह है, 69558 इसकी रैंकिंग है, और जैसे कि आप देख सकते हैं सीपीयू, जीपीयू, यूएक्स और मेमोरी में इसकी क्या क्या रैंकिंग दी गई है। मेमोरी में सबसे कम रैंकिंग, क्योंकि आपको पता है कि इसका मेमोरी जो है वो कम है, बट सीपीयू 34248 है, जो कि कम नहीं है। हालांकि जीपीयू उसकी जगह पे कम है। और इसके बाद हम लोग इसके अंदर कुछ और छोटे मोटे टेस्ट दिखाएंगे इस वीडियो में आपको। वैसे आपको जो कुछ भी चाहिए इस वीडियो से रिलेटेड, जैसे कि इसके अंदर सारे सेंसर मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो भी इसके अंदर हैं। जैसा कि आप देख सक रहे हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 इसके अंदर लगा हुआ है, मॉडल नंबर रेडमी 5 लिखा हुआ है, और ये रोजी कलर नहीं था, ये ब्लैक कलर था। रोजी क्यों लिखा हुआ है, खैर छोड़ो, शाओमी है। और देखेंगे आप बोर्ड, हार्डवेयर, सिस्टम, बैटरी, हर एक चीज़ की जानकारी आपको इस वीडियो में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। बैटरी जो है यहाँ पे कम दी गई है, बट सेंसर जो है सारे देता है, शाओमी सेंसर में कमी नहीं करता है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं।